नमस्कार दोस्तों, वन मिलियंस जीके में आपका स्वागत है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपका गाइड। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के नए एआई प्रमुख के बारे में। तो बेल आइकॉन दबाएं और आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन चालू करें। आज का मुख्य विषय है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने अपने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI डिवीजन के लिए एक नए प्रमुख की नियुक्ति की, और यह कोई और नहीं बल्कि मशहूर मुस्तफा सुलेमान हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये मुस्तफा सुलेमान हैं कौन, तो चलिए उनके बारे में कुछ दिलचस्प बातें जानते हैं। पहला पॉइंट है कॉलेज ड्रॉप आउट का कमाल। जी हाँ, मुस्तफा सुलेमान एक कॉलेज ड्रॉप आउट है, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया है कि सफलता के लिए डिग्री ही सब कुछ नहीं होती। गूगल में 15 साल का शानदार सफर। सुलेमान ने गूगल में पूरे 15 साल काम किया। वहां उन्होंने काफी नाम कमाया, खासकर गूगल ब्रेन के सह संस्थापक के रूप में। तीसरा पॉइंट है डीप माइंड के सह संस्थापक। सुलेमान केवल गूगल ब्रेन तक ही सीमित नहीं रहे, उन्होंने डीप माइंड के सह संस्थापक के रूप में भी अहम भूमिका निभाई, जिसे बाद में 2014 में गूगल द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। चौथा पॉइंट है OpenAI के साथ भी जुड़ाव। यही नहीं, सुलेमान OpenAI के बोर्ड में भी शामिल हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कंपनी है। चलिए जानते हैं कि भारतीय से क्या कनेक्शन है। यह जानना भी काफी दिलचस्प है कि मुस्तफा सुलेमान भारतीय मूल के हैं। उनकी यह उपलब्धि भारत के लिए गौरव की बात है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आप जान गए होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट के नए एआई प्रमुख कौन हैं और उनकी यह नियुक्ति कंपनी के लिए क्यों खास है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप टेक्नोलॉजी से जुड़ी और भी रोचक जानकारियां चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। आप UPSC, SSC, NDA, RRB जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और सटीक और महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान की आवश्यकता है, तो हमारे चैनल 1 मिलियन GK को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहे। हम निश्चित रूप से आपकी परीक्षा की तैयारी में मदद करेंगे और आपके सामान्य ज्ञान को मजबूत और सुरक्षित बनाएंगे। धन्यवाद और जय हिंद।